अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप? होप्स हो कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप इस बढ़ती हुई महंगाई में, जो कि मैं आपको आज बताऊंगी, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप। तो हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको सेम वही मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो कि आप इजीली बाय कर सकते हो। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं जी प्राइमर। तो जी प्राइमर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट में, जो मर्जी ब्रांड का उठा लो एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। तो उसके अल्टरनेटिव में आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, वो है जी एलोवेरा जेल। अच्छा, ये एलोवेरा जेल क्या काम करती है? सेम प्राइमर का ही आपको काम देती है, आपके स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको कर देती है क्लोज। उसके बाद जी आपके स्किन पे ऑयल नहीं आता, जिनकी तो ऑयली स्किन है। तो ये प्राइमर का ही काम देगी आपको, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एलोवेरा जेल जो है वो प्राइमर का काम देती है। अपने घर में जो अक्सर लोगों ने पौधे वगैरह लगाए होते हैं, वो डायरेक्ट अपने फेस पर यूज़ नहीं करनी। आपने लेनी है तो ये वाली लेनी है, बॉक्स पैकिंग में किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। उसके बाद जी बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन आ जाती है हमारे पास एक तो मिस रोज की, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, उसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी फाउंडेशन के रिव्यू दिए थे, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। ये चार फाउंडेशन है जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मार्केट से मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे है एक मिनीसो। मिनीसो सबको पता है बहुत अच्छा ब्रांड है, जापान का ब्रांड है, तो इसकी हर जगह फ्रेंचाइज बनी हुई है, आप कहीं से भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है सुपर वियरिंग। ये है ओनली 125 रुपीज़ की, पॉकेट फ्रेंडली फाउंडेशन है। मैं आपको ये देखें, ओनली 125 रुपीज़, तो ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। उसके बाद ये आती है मेरे पास क्रिस्टाइन की प्रोफेशनल पेंट स्टिक। तो मिस रोज तो मैंने आपको पहले दिखा दी है, ये भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये थी जी रीज़नेबल प्राइस में फाउंडेशन। ये तो जी थी 125 रुपीज़ की, बाकी जो फाउंडेशन है वो आपको 500 to 600 के दरमियान में मिल जाएंगी ईजीली। उसके बाद जी आ जाती है बाड़ी फेस पाउडर की। मैं कहती हूँ अगर आपके पास ग्लैमरस फेस का फेस पाउडर है तो आपको किसी और फेस पाउडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये है जी टू वे केक, मतलब फ्री फाउंडेशन टू वे केक। मींस कि ये अगर हम स्पंज को गीला करके इस पैनकेक को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये हमें फाउंडेशन का काम भी देगी, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये भी आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद जी बात कर लेते हैं हाइलाइटर, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि ये ग्लैमरस फेस की जो हाइलाइटर किट है आप ये ले लें। इसके मैं आपको शेड्स दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके सारे शेड ग्लिटरी हैं क्योंकि ये हाइलाइटर किट है, तो ग्लिटरी तो होंगे। तो इसको, ये इसके जो इधर वाले शेड्स हैं इनको हम ऐसा ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इधर वाले हैं इनको सिर्फ हम ऐसा हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये वैसे तो आई शेडो हैं, बट मैं इनको यूज़ करती हूँ एज आ कंटोरिंग भी। तो इसके अंदर ये दो बहुत अच्छे शेड हैं जो कि एज आ कंटोरिंग हमारे फेस पर काम करते हैं, तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। ये बलाला के हैं, तो ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। आ जाती है बारी आई शेड्स की। अच्छा, आई शेड्स आजकल नीले पीले ये बहुत कम चल रहे हैं, आजकल न्यूड शेड चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी ये वाली किट। इसके अंदर जी हमें ये लाइट शेड भी मिल जाते हैं, डार्क शेड भी मिल जाते हैं, हमारी बहुत अच्छी आई बन जाएगी। ये है रनवे आई शेडो ग्लैमर की किट। इसके अंदर 6 है कलर्स टोटल, और ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं। डेली बेस पर हम अपनी लाइट से कोई आइज बनाना चाहते हैं तो वो भी इससे बना सकते हैं। उसके बाद जी आ जाती है बारी ये आईब्रो पेंसिल की।
ये आईब्रो पेंसिल मैंने इम्तियाज स्मार्ट से ली थी। अगर इम्तियाज स्मार्ट से मिल सकती है तो हर मार्ट से इजीली मिल सकती है। मिलाई कॉस्मेटिक्स, मैंने वैसे ये फर्स्ट टाइम नेम सुना, ये तो मैंने रेंडमली उठा ली थी, बट ये बहुत अच्छी है इसलिए मैं आपका नाम पढ़ के बता रही हूँ। ये जी दोनों साइड से है जी, इसके एक ब्लैक शेड है, एक ब्राउन शेड है, जो आप यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं, वो भी एक ही पेंसिल में। देन जी हमारे पास आ जाती हैं लिपस्टिक्स। काफ़ी ज़्यादा जी मुश्किल रहती है कि हम कौन से लिपस्टिक यूज़ करें। लिपस्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, ज़ाहिर बात है महंगाई बढ़ती है तो मेकअप भी महंगा होता है। तो जी जब हमारे पास सस्ते ब्रांड इतने अच्छे ब्रांड हैं तो हम महंगे ब्रांड की तरफ क्यों जाएं? उसके लिए जी हमारे पास यहाँ पे ग्लैमरस की लिपस्टिक्स, जस्ट गोल्ड की लिपस्टिक, बीक्विट की लिपस्टिक, एंड ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। ये यहाँ का ब्रांड नहीं है, ये मैंने चेज वैल्यू से ली थी ओनली 99 रुपीज़ की। तो ये लोकल हर मार्केट में पड़ी हुई हैं, ये आपको ईजिली मिल जाएंगी। उसके बाद जी मैं आपको दिखा देती हूँ मस्कारा। आपको पसंद है कि हमारी लैशेस बड़ी बड़ी हों, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मस्कारा होता है वो हमें ब्लाइंड का अगर बेस्ट है तो आप एक ही दफ़ा पैसे खर्च करके मैं ब्लाइंड का मस्कारा परचेज कर लें, लेकिन नहीं तो उसके अल्टरनेटिव आपको एक और मस्कारा दिखाती हूँ जो सेम वही काम करता है लेकिन इसकी प्राइस है 550 रुपीज़। तो जी और क्या चाहिए जब हमें इसके कंपैरेटिव कोई सेम चीज़ मिल रही है। तो ये दो मस्कारा से मैं आप जो महंगा लेना चाहते हैं वो महंगे वाले ले, जो नॉर्मल प्राइस में अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ये वाला ग्लैमरस फेस का ले लें। इसके ऊपर से सारा कुछ मिट गया क्योंकि ये यूज़ ही बेचारे के साथ हुई बहुत बुरी है, यूज़ ही बहुत हो गई है। तो जी नेक्स्ट एक चीज़ और जो कि है कंसीलर। काफ़ी लोगों को होता है कि डार्क सर्कल्स है तो कंसीलर तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी ग्लैमरस फेस का कंसीलर। तो मेन चीज़ है जी वो है जी आईलाइनर। ओके जी ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, ये है जी मिस डेमी का, यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आएगा तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ लगा के। ये देखें ये है जी वाटरप्रूफ आईलाइनर, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएगा। मैंने खुद इसको लोकल मार्केट से ही परचेज किया। इस बढ़ती हुई महंगाई में तो वाकई अच्छे खासे इंसान को टेंशन पड़ जाती है कि भाई हम मेकअप कौन सा यूज़ करें, तो भाई मेकअप आप ये यूज़ कर सकते हैं बेफिक्र होके। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।